93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। पता नहीं मुझे मार क्यों नहीं देती, क्यों मुझे जिंदा रखा हुआ है, पर परेशान हो चुका हूं मैं, अब तो जानवर हो चुका हूं पूरा का पूरा। जब जब मरने की कोशिश की है तब तब रोक दिया है मुझे, नहीं रहना मुझे जिंदा, नहीं उठाना मुझे जिंदगी का बोझ, आज तो मैं मर के रहूंगा। मेरा नाम ओम प्रकाश है, पागल हो चुका था मैं पूरा, खुद को मारकर ये जिंदगी का तमाशा मुझे आज खत्म करना ही करना था। मैंने सामने पड़ी ब्लेड उठाई कि अपनी कलाई आज तो काट के रहूंगा, आज खून कितना भी बहता जाए मैं मार के रहूंगा खुद को। लेकिन ब्लेड हाथ में लेके अपनी कलाई चीर कर अपनी जिंदगी को बहा देता, उतनी देर में मेरा हाथ पूरी ताकत लगाने के बावजूद मैं हिला तक नहीं पा रहा था, मैं हिला तक नहीं पा रहा था। जिस हाथ में मैंने ब्लेड पकड़ा था वो हाथ ऐसे मुड़ता गया कि जैसे अब हड्डी कड़क के बोलेगी और मैं चीखूंगा और चिल्लाऊंगा। वही हुआ, हेयरलाइन फ्रैक्चर आया था, प्लास्टर करवाया और घर वापस आकर पलंग पे लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या से क्या हो गया। अभी कल की ही बात लगती है जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था और ऊपर वाले कमरे से आवाजें आ रही थी। ऊपर के कमरे का दरवाजा जोर जोर की आवाजें कर रहा था। मैं ऊपर के कमरे की ओर गया और शीशम की लकड़ी की सीढ़ियों पे दौड़ते हुए जब मैं भागा तो साफ साफ देख रहा था कि एक रत्ती भर हवा नहीं थी, लेकिन दरवाजा अपने आप आवाज कर रहा था जैसे अंदर कोई जोरदार तूफान चल रहा हो। मैंने भागकर दरवाजे के दोनों पलड़ों को पकड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी पूरी मजबूत पकड़ के बावजूद बड़ी मुश्किल से मैं दरवाजों को आवाज करने से रोक पाया। और इसी वक्त मैंने दांत पीसते हुए कहा, जाओ यहां से, अब तुम जिंदा नहीं हो, आखिरी बार कह रहा हूं, चली जाओ यहां से। मैंने इतना कह के दरवाजे की कुंडी अच्छे से लगाई और वापस नीचे अपने कमरे में आया और कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा के पलंग पर लेट गया। मिर्गी के दौरे पड़ते थे मुझे कभी कभी, और जब जब ऐसा होता था तो अच्छे अच्छों के पसीने छूटते थे। देखते ही देखते मैं पलंग पर लेटे लेटे ही अचानक इस बार ये दौरा कुछ ज्यादा ही भयानक था। मुंह से झाग निकलने लगा और फर्श पर गिरकर मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी तो आंख खोली तो मैंने देखा ऊपर वाले कमरे के धीमे धीमे हवा से खुलते और बंद होते दरवाजे के सामने मैं आधा फर्श पर और आधा
सीढ़ियों पर पड़ा था। एक झटके से मैं उठा और आंखें मलकर दोबारा देखा कि कहीं गलत तो नहीं देख रहा हूं मैं, तो दोबारा आंखें खोल के खुद को वहीं सीढ़ियों पर पाया। मैं तुरंत नीचे वापस अपने कमरे में भागा, लेकिन दरवाजा जो मैंने रात को अंदर से बंद किया था वो अभी भी अंदर से ही बंद था। मैंने लाख कोशिश की दरवाजे को खींच के धक्के देकर खोलने की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार मैंने साफ साफ सुना कि कोई चलता हुआ दरवाजे तक आया और फिर दरवाजे को अंदर से किसी ने खोला और वापस अंदर ही भाग गया। दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो मैंने दरवाजे के खुलते ही किसी के पैर देखे जो पलंग के नीचे छुपने से ठीक पहले दिखे थे मुझे। मैं अंदर नहीं गया, वहीं दरवाजे के बाहर नीचे झुक कर बैठा और पलंग के नीचे झांका तो जो दिखा उससे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ऐसा लगा जैसे मैं वहीं के वहीं बेहोश हो जाऊंगा। बदन पर काबू नहीं था, अंधेरा सा छाने लगा था, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं दो ही पलों में हांफने लगा क्योंकि पलंग के नीचे दो आधी सड़ी गली लाशें पड़ी थी। मैं तुरंत किसी तरह वहां से उठा और बाहर भागा और भागते भागते सीधे पंडित जी के घर गया। उन्हें जबरदस्ती तुरंत घर लेके आया, घर में पूजा पाठ करवाई और तब कहीं जाकर सुकून आया। एक महीने तक और कुछ भी नहीं हुआ घर में। एक दिन जब मैं अपने खेतों में दोपहर में गया तो देखा जमीन से एक कपड़े का टुकड़ा निकला हुआ था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से खींचा तो उसके साथ में कुछ निकला जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस कपड़े से बंधी हुई जो चीज बाहर निकली वो कुछ और नहीं किसी इंसान की हड्डी थी। मैंने तुरंत उसे मिट्टी में गाड़ दिया और जब पूरे खेत पर नजर दौड़ाई तो पाया कि पूरे खेत में वैसे ही कपड़े जगह जगह से निकले हुए थे। दौड़ा भागा मैं तुरंत वापस घर आया। मुझे इंतजार था तो बस रात का। जैसे ही रात का अंधेरा घिरा मैं छुपते छुपाते अपने खेतों में पहुंचा और सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। और उसके बाद जहां जहां कपड़े गड़े हुए थे वहां से हड्डियां निकालकर मैंने उस बड़े से गड्ढे में डाल दी। अंधेरे में फावड़ा चला चला कर हाथ मेरा कई जगह से छिल गया था और पैरों में कई जगह पर चोटें लगी थी। घर आकर मैंने जैसे ही फर्स्ट एड बॉक्स निकालने के लिए अलमारी खोली तो मेरे गले से चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने अलमारी में हड्डियों का अंबार लगा था। घर के अंदर अलमारी में ऐसा नजारा देखकर मैं पूरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैं वहां से वापस बाहर भागा और अपने कमरे में आकर दरवाजे को मैंने बंद कर लिया। हांफते हांफते मैंने अपनी सांस संभाली, वरना फिर से मुझे
मिर्गी का दौरा पड़ जाता। चुपचाप बैठ के कुछ देर दिमाग शांत करने की कोशिश की तो कमरे की ट्यूबलाइट आवाजें करने लगी। उस चिरमिर करती आवाज को सुन के मैंने ऊपर ट्यूबलाइट की ओर देखा तो वो ट्यूबलाइट बहुत धीमे धीमे हिल रही थी और उसकी आवाज तेज होती जा रही थी और आवाज के तेज होते होते अचानक ही ट्यूबलाइट जोर की आवाज से फटी और फर्श पर कुछ गिरा। कमरे की बत्ती तो बंद हो गई थी। मोबाइल की टॉर्च चलाकर देखा तो फर्श पर अजली सी कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। अब इस कमरे में रुकना नामुमकिन था। मैं तुरंत घर से बाहर भाग गया और पूरी रात बाहर चबूतरे पर ही बिताई। वापस अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। अगले एक महीने तक वक्त डरते घबराते हुए बीता पर कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। एक दिन की बात है, मैं घर पे ही था और खेत पर नहीं गया। चावल निकालने के लिए बड़े ड्रम के अंदर मैंने हाथ जैसे ही डाला और कटोरी में चावल निकाला, ठीक उसी समय मेरा हाथ चावल के अंदर जैसे किसी ने पकड़ लिया था। मैं पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा लेकिन दूसरी तरफ चावलों के अंदर से भी जैसे कोई और ज्यादा ताकत लगाकर मेरा हाथ घसीटते हुए मुझे अंदर की ओर खींच रहा था और आखिरकार मैंने अपनी पूरी जान लगाकर एक झटके से अपना हाथ बाहर खींचा तो मेरी आंखें जैसे यकीन ही नहीं करना चाहती थी कि ये क्या हो रहा था और जबान हलक को चीर डाले ऐसी चीख मारने को आतुर थी। लेकिन खौफ इतना भर गया था दिल में कि मेरे बदन का कोई भी हिस्सा ठीक से काम कर पाए इतनी हिम्मत नहीं बची थी। क्योंकि मेरा हाथ चावल से मैंने बाहर निकाला तो जगह जगह से छिला और कटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे हाथ ना हो एक मोम का टुकड़ा हो जो पिघलने लगा था और मेरे हाथ को पकड़ के खींचने वाला वो हाथ इंसान का नहीं हड्डियों का था जो अभी भी मेरे हाथ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसे खींच कर फेंका और दौड़ता हुआ ऊपर के कमरे में गया जहां बंदूकें रखी रहती थी हमारी। कमरे में घुसते ही मैंने बंदूक उठाकर उसमें गोलियां भरी और जैसे ही उसे लेकर नीचे जाने को पलटा तो ये क्या हो रहा है? ये बंदूक का वो मेरी तरफ कैसे? कौन है यहाँ पे? मैं तुमको नहीं मारना चाहता। मैं ये ट्रिगर पे मेरा उठा कैसे दब रहा है? मैं खुद को नहीं मारना चाहता। मेरी बंदूक अपने आप मेरी ओर घूम गई और मेरी ट्रिगर पर रखी उंगली ट्रिगर पर दबती जा रही थी। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पूरी ताकत लगाकर जब मैंने अपनी उंगली हटाने की कोशिश की तो अचानक मेरी ट्रिगर पर दबती हुई उंगली पूरी की पूरी मुड़ गई। मेरे अंगूठे की हड्डी मेरे अंगूठे की पूरी हड्डी टूट गई। मैंने तुरंत बंदूक फेंक दी और घर पे ताला लगा के हॉस्पिटल चला गया। प्लास्टर करवा के लौटने को हुआ तो मन नहीं माना अंदर जाने को। अपने आप से ही घिन सी हो रही थी मुझे। जानता था मैं ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। ये सब कुछ मेरी रज्जो कर रही थी। मेरी जान थी रज्जो, छोटी बहन मेरी, बाबूजी की आंखों का तारा और घर का नूर, चार पुश्तों के बाद बेटी हुई थी खानदान में। सबकी जान थी रज्जो, कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी, हमेशा बस
अपने मन की करनी थी। गांव में स्कूल की पढ़ाई खत्म की, फिर जिद पकड़ ली कि दिल्ली जाकर पढ़ाई करनी है। बाबूजी ने बोल के भेजा था, बुढ़िया पढ़ाई लिखाई जो भी करियो अच्छा करियो, मन से करियो, लेकिन बस जात बिरादरी की इज्जत पे आंच ना आवे ध्यान रखिया, वरना पंचायत का तो तुझे पता ही है। हाँ? वो गई पढ़ने लिखने दिल्ली, पढ़ाई खत्म करके आई गांव में तो हमने उसकी शादी की बात चलाई। उसने पहले तो कुछ ना बोला, लेकिन शादी के दिन मंडप में उसको बुलाने जब मैं ऊपर उसके कमरे में गया तो कमरा बंद था। दरवाजा तोड़ा तो देखा अंदर रज्जो नहीं थी, एक चिट्ठी रखी थी कि उसे किसी और से प्यार है और उसी से शादी करेगी, पर छोरी घनी बेवकूफ थी या बाप भाई के प्यार में अंधी थी। बता गई थी चिट्ठी में कि कहां जा रही है। बाबूजी को खबर सुनते ही दिल का दौरा पड़ा, हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही वो चल बसे। खानदान की बेइज्जती हुई सो अलग, और मेरे लिए सिर्फ एक ही चारा बचा था, पंचायत के कानून को मानना। चाहता तो मैं उसे माफ कर देता, लेकिन इतनी बेइज्जती हुई, बाबूजी चल बसे, कैसे माफ कर देता उसको। मैं दो पहलवान लेकर गया, खसीट के दोनों के हाथ पैर बांध कर उनको गांव तक लाया। पहले तो लड़के को जी भर के पेड़ से बांध कर मारा, और फिर दोनों को चौक के पेड़ पे उल्टा लटका के सर में गोलियां भर दी। रज्जो को मेले से लाके दी हुई पायलों की आवाज आज भी सुनाई देती है, उसके बनाए खाने की खुशबू आज भी आती है, लेकिन क्या करूं, जो होना था सो वो तो हो गया। 3 महीने बाद जब मैं घर लौटा ये सोच के कि सब ठीक हो चुका होगा, तो अब तो बातें और बढ़ गई थी। वो मानती ही नहीं है, ना सुकून से जीने देती है, ना मैं खुद को मारना चाहूं तो मुझे मरने देती है। इस घर से निकलने की कितनी भी कोशिश करो पर मैं निकल नहीं पाता, कुछ खाओ तो उल्टियां करके खून तक आ जाता है। हफ्तों तक बिना खाए सिर्फ पानी पी के जीता हूं, और जब लगता है कि मौत नजदीक है तो कोई ना कोई खाना खिला जाता। मैं इस घर में बंद मेरी मौत के लिए तरस रहा हूं, माफी के लिए नहीं, और ये सब कोई और नहीं, मेरी रज्जो ही कर रही है, जिसको मैंने सरे आम गांव में सिंधा मार दिया था। आज मैं सब कुछ खत्म करके रहूंगा। ब्लेड मैंने छुपा के रखा हुआ है, बस आज ये खेल खत्म होकर रहेगा, आज ये खेल खत्म होकर रहेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं खुद को नहीं मार पा रहा, मेरी रज्जो मुझे तड़पा तड़पा के मारेगी। मैं इस घर में बंद हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भैया मेरे राखी के बंधन को मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। Red FM पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।